ऑटो से चलना हुआ अब महंगा। दिल्ली वाले वैसे ही बहुत परेशान थे ऑटो वालों के मनमर्जी रवैये से, और अब उनको झेलनी पड़ेगी एक और तकलीफ, क्योंकि ऑटो के किराए बढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। परिवहन विभाग ने बुधवार को नए किराए की अधिसूचना जारी कर इसके पहले 5.5 वर्ष पहले 2013 में ऑटो के किराए में वृद्धि की गई थी। 2 किलोमीटर की बजाय अब 1.5 किलोमीटर पर डाउन होगा मीटर। इसके लिए 25 रुपए देने होंगे। इसके बाद 9.5 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना होगा। दिल्ली कैबिनेट ने 8 मार्च को ही किराए में वृद्धि की मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार और अफसरों के बीच इस मुद्दे को लेकर तनातनी बनी रही, जिसकी वजह से ऑटो किराए में वृद्धि नहीं हो पाई है। विभाग ने साफ कर दिया है कि इस मामले में उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं है, तभी अधिकारी नए किराए की अधिसूचित करने पर राजी हुए हैं। इससे लगभग 1 लाख ऑटो चालक लाभान्वित होंगे। परिवहन विभाग की डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार सिंधी के अनुसार पहले 8 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को 9.50 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना पड़ेगा। वहीं पहले वेटिंग शुल्क 50 पैसे प्रति मिनट था, जिसे बढ़ाकर 75 पैसे प्रति मिनट कर दिया गया है। ट्रैफिक जाम में फंसने और जाम के कारण ट्रैफिक बेहद धीमा होने पर भी लोग वेटिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। दिल्ली वालों को अब ऑटो में चलना पड़ सकता है महंगा, क्योंकि ऑटो के किराए बढ़ सकते हैं जल्द। ऑटो का बढ़ा हुआ किराया आज से लागू नहीं होगा। इस मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए में भेजा जाएगा, वहां बैठक कर इसे अनुमति दी जाएगी। इसके बाद किराए में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये किराया जल्दी बढ़ सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।